पत्रकारों की सत्याग्रह लगातार 27वीं दिन भी माती मुख्यालय में जारी रहा। स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर 8 सूत्री मांगों को पूरा करवाने के लिए पत्रकार हैं आंदोलनरत। माती कानपुर देहात जिले के स्वास्थ्य विभाग की तमाम समस्याओं, भ्रष्टाचार तथा जिला अस्पताल अकबरपुर बना रेफर सेंटर आदि तथा भ्रष्टाचारी लोगों द्वारा पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लिखने के प्रयासों को रोके जाने आदि से संबंधित 8 मांगों को लेकर पिछले 18 अक्टूबर से जिला प्रेस क्लब के तहत पत्रकारों का आंदोलन जारी। आंदोलन धरना सत्याग्रह स्थल पर ब्रजेन गुप्ता और जिला अध्यक्ष विजय शंकर कौशल बराबर बैठे। जनपद के तमाम जनप्रतिनिधि सामाजिक संगठन सहयोग देने का वादा कर चुके तथा दीपक सिंह चौहान लगातार भूख हड़ताल पर बैठे। आश्चर्यजनक है कि तमाम पत्र व्यवहार के बाद भी शासन प्रशासन पत्रकारों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। शनिवार दोपहर कानपुर के पत्रकारों ने द्रव्य भारत समाचार पत्र की संपादक उमेश्वरी देवी के नेतृत्व में आकर पत्रकारों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम जिलाधिकारी, कमिश्नर और मुख्यमंत्री से मिलकर समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए प्रयास करूंगे। धरने के दौरान नौशाद बाबू, राम अवतार, कानपुर के पत्रकार रोहित शर्मा, जीवन कुमार, के शर्मा, कृष्ण कुमार आदि दर्शकों उपस्थित रहे।